दोस्तों वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सीरीज। आज 15 अक्टूबर है और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। एक कोट के साथ, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा और उसके लिए क्या है, आपको रातों को भी उठकर पढ़ना पड़ेगा। ये किसने बोला? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके और फेमस साइंटिस्ट थे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इराक के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में, वो कौन बने हैं? बरहम साली, अब्दुल लतीफ रशीद, शहबाज शरीफ या फिर शेख हसीना? तो अभी प्रेजेंट में कौन थे? बरहम साली थे, उनकी जगह किसने ली? अब्दुल लतीफ रशीद ने। तो नए प्रेसिडेंट कौन बने? अब्दुल लतीफ रशीद। उन्होंने किसकी जगह ली? बरहम साली की जगह ली। और शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के PM हैं, इन्होंने किसकी जगह ली? इमरान खान की जगह ली। शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है। मैप में देखा जाए तो इराक कहाँ है, किस किस से टच करता है? ये जॉर्डन से अपनी सीमा लगाता है और सीरिया से सीमा लगाता है, तुर्की से लगाता है, ईरान से और यहाँ पर कुवैत से, सऊदी अरेबिया से और पर्शियन गल्फ से। ये इराक है। चलते आगे। हाल ही में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद, भारत, चीन, जापान या फिर पाकिस्तान में? तो दूसरा संस्करण इसका कहाँ पर हुआ? हैदराबाद, भारत में। और जो फर्स्ट वाला था वो कहाँ हुआ? चाइना में। कब हुआ? 2018 में। ये क्या है? हर 4 साल बाद होता है। इसमें क्या है आखिर, ये है क्या चीज़? इसमें क्या है, जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी मेकर साइंटिस्ट और स्टार्टअप्स और प्लस NGOs, ये क्या है, इनको एक मंच पर ले आते हैं इनको। ये जो संयुक्त राष्ट्र की विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस हो रही है हैदराबाद में, तो इसका एम क्या है, पॉलिसी मेकर साइंटिस्ट स्टार्टअप्स NGOs वगैरह को एक मंच पे लेकर आना। चलते हैं आगे। हाल ही में PM डिवाइन योजना किस क्षेत्र के लिए है? तो PM डिवाइन योजना जो है उत्तरी क्षेत्र के लिए या फिर दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र? PM डिवाइन की बात करें तो PM डिवाइन क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। और ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? इसमें क्या है, जो फंड है वो 100% फंड कौन देती है सेंट्रल सेक्टर में? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और ये जो PM डिवाइन योजना है ये 2022 से 2026 के लिए है और इसका बजट 4 साल के लिए कितना बजट है वो 6600 करोड़ रुपए। तो ये थी PM डिवाइन योजना किसके लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, जो कि इसके नाम में ही है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। चलते आगे। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? वंदे भारत की बात की जाए तो इसका पहले नाम क्या था? ट्रेन 18 नाम था।
जो कि बदल कर क्या कर दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। अब तक टोटल 4 वंदे भारत एक्सप्रेस हुई हैं। पहली नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चली है, तीसरी अभी हाल ही में चली थी मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच, और जो फोर्थ वन है वो कहाँ से, ऊना से नई दिल्ली के बीच में चली है। तो ये 4 वंदे भारत एक्सप्रेस अब तक चल चुकी है। चलते आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ये आधारशिला कहाँ पर रखी है? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में। हरोली में, तो कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। आखिर ये होता क्या है बल्क ड्रग पार्क, समझते हैं इसको। बल्क ड्रग पार्क, देखिए आप क्या है, आपको क्या है, कोरोना हो गया तो अब क्या करोगे, उसके लिए आपको दवा चाहिए। दवा चाहिए, अब क्या है, दवा बनानी पड़ती है, दवा बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, दवा बनानी है सीधी सी बात है, कंपोनेंट्स चाहिए। हाँ कंपोनेंट्स चाहिए, तो इन कंपोनेंट्स को क्या है, क्या बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं। अब ये एपीआई क्या है, एपीआई बोले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब भारत का तो मेडिकल में नाम रहा है पहले से ही, चरक से लेके पुराने टाइम में चरक वैद्य हुआ करते थे, धन्वंतरि हुआ करते थे। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है कि भारत के पास क्या नहीं है, जो ये कंपोनेंट चाहिए वो नहीं है, तो दवा तो फिर बनेगी नहीं। तो भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इस टाइम मनसुख मांडविया, उन्होंने बताया कोई दवा बनाने के लिए कितने एपीआई चाहिए, 53 एपीआई चाहिए डिफरेंट तरह के। अब भारत ने कोविड टाइम में क्या है, 35 तो कर लिए, जो योजना चलाई थी आत्मनिर्भर योजना के तहत। अब दिक्कत किस में आ रही थी, दिक्कत बाकी बचे 18 में। तो अभी हाल ही में जो ये बल्क ड्रग पार्क है, तो ये क्या करेंगे, जो बाकी 18 बचे थे एपीआई, उनको बनाने में कारगर साबित होंगे, तो इसलिए इन बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला रखी है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। आई होप इतना समझ आया होगा। चलते हैं आगे, हाल ही में मीडिया समूह CNN की ओर से इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से किस मंत्री को सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ, M.K. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी। तो जो ये अवार्ड मिला है CNN न्यूज़ 18 की तरफ से, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से, वो किसको मिला है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को, उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए मिला है ये अवार्ड। M.K. स्टालिन ये तमिलनाडु के CM है प्रेजेंट में, कौन सी पार्टी से है, DMK। अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी से है और दिल्ली के CM है प्रेजेंट टाइम में। जगनमोहन रेड्डी प्रेजेंट में ये कहाँ के CM है, आंध्र प्रदेश के, और इनकी पार्टी कौन सी, YSR।
चलते हैं आगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? फीफा किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये हो कहाँ रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट? ये भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर पुर्तगाल में? तो महिला विश्व कप 2022 ये कहाँ पर? भारत में हो रहा है। भारत के कौन से शहर में? भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ है। भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई, तीन जगह पे होगा। कब से कब तक होगा? 11 से 30 अक्टूबर तक। कौन सा संस्करण है? सातवां संस्करण है। टोटल टीमें कितनी है? 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। और इसके अगर मैस्कट की बात की जाए शुभंकर की, तो इसका शुभंकर क्या है? ईबा। इसका शुभंकर ईबा है, वो क्या है? एशियाई शेरनी है। और टूर्नामेंट का नारा क्या है? किक ऑफ द ड्रीम। अर्जेंटीना के फुटबॉलर कौन है? लियोन मेसी है। पुर्तगाल के रोनाल्डो हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 56,000 गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं के नए नक्शे बनाए गए हैं, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में क्या है, हवाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने क्या है, 56,000 गैलेक्सीज का एक नक्शा तैयार किया है, तो उसका नाम क्या दिया गया है? कॉस्मिक फ्लोज 4, एंड्रोमेडा, गोल्डी लॉक जोन या कूपियर बेल्ट? तो उन्होंने इसका नाम दिया है कॉस्मिक फ्लोज 4। और वो देखने में कैसा है? ये इसका डायग्राम है, ये 56,000 गैलेक्सीज है, ये डॉट डॉट जो बनाया हुआ है ये गैलेक्सीज है। टोटल कितना गैलेक्सीज है? 56,000। एंड्रोमेडा की बात की जाए, एंड्रोमेडा क्या है? जो अपनी गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, उसकी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है? एंड्रोमेडा। गोल्डी लॉक जोन की बात की जाए, ये हैबिटेबल जोन होता है। जहाँ पे जीवन पाया जाता है, जैसे सन का गोल्डी लॉक जोन क्या है? अर्थ वाला एरिया है। और कूपियर बेल्ट क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं उसके बाहर जो ये बेल्ट है ड्वार्फ प्लैनेट वगैरह के, इसको क्या बोलते हैं? कूपियर बेल्ट बोलते हैं। एक बार गैलेक्सी देख लेते हैं, ये गैलेक्सी है, बीच में इसमें क्या है? बल्ज होता है एक, और 3 रोटेटिंग आर्म्स होती हैं। गैलेक्सी की बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी क्या नाम है? मंदाकिनी गैलेक्सी। और इसकी क्लोजेस्ट गैलेक्सी जो इसके पास में है वो कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। लाइमन अल्फा ब्लोब्स गैलेक्सी जो है, ये इसका शेप कैसा होता है? अमीबा की तरह होता है। तो ये था थोड़ा गैलेक्सी के बारे में। चलते हैं आगे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? अभी हाल ही में सौरव गांगुली जी ने क्या है नाम रिकमेंड किया है न्यू बीसीसीआई अध्यक्ष का, तो उन्होंने किसका नाम नॉमिनेट किया है? कपिल देव, रोजर बिन्नी, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर? कपिल देव की बात की जाए, 1983 में जो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, उसके कैप्टन थे। रोजर बिन्नी भी 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम के मेंबर रहे हैं। रवि शास्त्री भी, अगर एक ओवर में 6 छक्के की बात की जाए तो किसने लगाए थे? सर गैरी सोबर्स के बाद जो लगाए थे वो किसने लगाए? वो रवि शास्त्री ने ही लगाए, रणजी टूर्नामेंट में। सुनील गावस्कर की बात की जाए तो सुनील गावस्कर
पहले ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन पूरे किए। तो इसका आंसर क्या होगा, बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनने वाले हैं, रोजर बिन्नी का नाम दिया है सौरव गांगुली ने। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया, अभी हाल ही में क्या है गांधी जी के जीवन को समर्पित करते हुए एक संग्रहालय म्यूजियम खोला है, वो कौन से देश ने खोला है, वो म्यूजियम खोला है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव या फिर कनाडा में। तो ये म्यूजियम खोला गया है कहाँ पर, अमेरिका में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।